जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एडमिट कार्ड 2022 के बारे में कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। एंड अगर आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे और कहाँ पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। अगर आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सी भर्ती का एडमिट कार्ड है तो वो आप यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि 323 पद पर यह भर्ती निकली थी, जिसमें कि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पद थे। कब से लेकर के कब तक आपने फॉर्म को भरा था ये आपने यहाँ पर जाना। अब आप यहाँ पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। यहां पर आने पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड यहां पर डालेंगे जो कि आपने उस वक्त बनाया था जब आपने इस फॉर्म को भरा था, और फिर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपकी पोस्ट आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था। यह सब जानकारी आप यहां पर इसके अंदर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड है या फिर आपका फॉर्म पेंडिंग के अंदर है। जिन कैंडिडेट का फॉर्म अप्रूव्ड है इसका मतलब उनके एडमिट कार्ड आएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूँ कि जब बीएसएफ की वेबसाइट या फिर बीएसएफ जब किसी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करता है, चाहे वो फेज फर्स्ट हो यानी कि फिजिकल हो या फिर एग्जाम हो, तो वो एक साथ में नहीं करता। वेबसाइट पर टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। तो अगर आपके सामने यहाँ पर अभी आपका एडमिट कार्ड न आए और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर अप्रूव्ड दिखा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर वेबसाइट को लॉगिन करके चेक करते रहे। जैसे ही आपको यहाँ पर आपका एक्शन के ऊपर क्लिक करके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए तो आप यहाँ से जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से एक्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर आपके एग्जाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आप चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपकी पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, आपका रोल नंबर देखने को मिलेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया होगा, इसके अलावा जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड साथ ही यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, और इसके अलावा यहाँ पर दिया है एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी वो आप देख सकते हैं। बेसिकली आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन का एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको ये बताया कि कब आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। बेसिकली 6 बजे से स्टार्टिंग होगा, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे है। एंड जो आपके सेंटर का एड्रेस है और नेम है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। आपको ये सभी जानकारी यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ये आपका इस प्रकार का एडमिट कार्ड रहने वाला है। अभी गाइज मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जब इस भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ था और आपका नोटिफिकेशन आया था तो उस वक्त आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये कहा था कि आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा और बाद में आपका फिजिकल होगा। बट अब जैसे ही इसका ये नोटिस आया जिसमें कि एग्जाम डेट दी गई थी और आपको बोला था कि कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे और कब तक आपका ये जो प्रोसेस है फेज फर्स्ट को कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज फर्स्ट के अंदर फिजिकल मेजरमेंट डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट ये बोला है, फेज टू के अंदर रिटर्न एग्जाम बोला है, और फेज थ्री के अंदर शॉर्ट हैंड टेस्ट जो कि एसआई स्टेनो की पोस्ट पर होगा, टाइपिंग टेस्ट एचसी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर होगा, और फेज थ्री में ही आपका मेडिकल एग्जाम भी हो जाएगा। बट मैं आपको एक बार इसके नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। ये जो आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी भर्ती का। इसमें यहाँ पर फर्स्ट फेज देखेंगे तो बोला है कि पहले आपका फर्स्ट फेज के अंदर रिटर्न एग्जाम होगा, एंड देन आपका सेकंड फेज में फिजिकल मेजरमेंट, और फिर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो कि एचसी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर है, और डॉक्यूमेंटेशन होगा। यानी कि पहले आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिटर्न एग्जाम होना था, बट ये बाद में इन्होंने चेंजेस किया और अब आपका यहाँ पर ये फिजिकल हो रहा है। अब ये तो आपने जान लिया। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले तो ये एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है, और दूसरा आपके पास जो आपकी आईडी आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी उसकी ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है, साथ ही आपको फोटोकॉपी भी लेकर के जानी होगी। अगर आपके पास वो आईडी नहीं है जिसका नंबर आपने इस फॉर्म के अंदर दिया था, जो कि आप यहाँ पर भी देखेंगे जो कि मैंने हाइड करके रखा है अपना,
तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई अन्य गवर्नमेंट आईडी जिसके ऊपर फोटो हो वो लेकर के आपको जाना है। एंड जो आपके अन्य चीज़ें वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर ये बोला है कि यू शुड ब्रिंग विद यू यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको लेकर के जाना ही है, साथ ही उनकी फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी है। इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th 12th की फोटो कॉपी, मार्कशीट की और ओरिजिनल एक्सपीरियंस की जानकारी अगर आपने कोई दी थी तो आप उसकी सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है वो, और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और इन सब की आपको इन सब के साथ में आपको 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर के जाने हैं, और ये वो जो फोटो है वो रहने चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया था। इसी के साथ आपको बोले कि यू शुड ब्रिंग ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आपका 10th का मार्कशीट का जो मार्कशीट रहता है या फिर सर्टिफिकेट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो, या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बोला कि कैंडिडेट शुड कम ड्यूली प्रिपेयर्ड टू स्टे अप्रोक्स 3-4 days, यानी कि अगर आपका कोई वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो कम से कम 3-4 days का आपको स्टे के लिए इस तरह से करके आना है। ये एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस तरह से जो कि आपको बताए जाते हैं, इसमें ऐसा 3-4 दिन की आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, दिन के दिन आपका काम ये हो जाएगा। और बस यही वो ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन फॉलो रखनी है। एग्ज़ाम बोले तो आपका फिजिकल मेजरमेंट और आपका डॉक्यूमेंटेशन, इसमें मेजरमेंट सिर्फ आपकी बॉडी का होगा क्योंकि इसमें रेस और जो अन्य चीज़ें हैं वो नहीं है, सिर्फ इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा और आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा तो उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसी जानकारी नहीं है कि आपका रेस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि आपका मेजरमेंट रहेगा बॉडी का और जो आपके डॉक्यूमेंट है ये सभी जो कि मैंने आपको बताई है ये सब आपसे आपके चेक किए जाएंगे और उसके बाद फिर आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है, अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर अभी सोने हो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट टाइम लेती है आपके सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पर अपडेट करने में। अब अगर आप मेरे द्वारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर जो मैंने हमारी वेबसाइट दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर आपको आपका नाम देना है, ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा, मैसेज के अंदर आपको आपकी जो ईमेल आईडी है जिससे आपने अकाउंट बनाया था वो, और जो आपका पासवर्ड है वो देना है, साथ ही नीचे आपको लिखना है कि किस पोस्ट का आपका एडमिट कार्ड है, बीएसएफ एचसीएम या फिर बीएसएफ एएसआई, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट आती है तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता, इसलिए आप यहां पर बीएसएफ एडमिट कार्ड भी लिखिएगा और आपकी जो ईमेल आईडी है वो, और जो आपका पासवर्ड है वो, और आप किस पोस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं वो, ये आपको लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।